इलेक्शन फंड्स के लिए कमी का बहाना सिर्फ ड्रामा, मिफ्ता इस्माइल ने हकूमती ड्रामे का पोल खोल दिया। मुस्लिम लीग नून के साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इलेक्शन के लिए फंड्स की कमी का बहाना नामाकूल है और इस बात में कोई वजन नहीं। हुकूमत पाकिस्तान 18 अरब का तो रोजाना सूद देती है, हुकूमत के लिए 21 अरब तो क्या 35 अरब रुपए देना भी कोई मुश्किल बात नहीं। लेकिन जहाँ तक पैसे वाली बात है, इसमें मुझे इतना वजन नहीं लगता। हुकूमत पाकिस्तान 18 अरब रुपए तो तकरीबन रोज का सूद देती है, तो 20-21 अरब रुपया या 35 अरब रुपया इलेक्शन के देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान के लिए ज़ाहिर है बड़ी रकम है, लेकिन हुकूमत के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं है 35 अरब रुपया। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि कोई भी हुकूमत चलाने के लिए काबीना में 15 से 20 लोग काफी होते हैं, इससे ज्यादा डिविजन नहीं होनी चाहिए। 80 रुकनी लाओ लश्कर होगा तो तनकीद तो होगी, शहबाज काबीना जरूरत से ज्यादा बड़ी है। मैं समझता हूँ कि 15 से 20 लोग जो है उतने डिवीजन से ज्यादा डिवीजन नहीं होने चाहिए। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना ने मजीद कहा कि जब पीडीएम हुकूमत ने इक्तदार संभालने के बाद पेट्रोलियम मसनूआत वगैरह की कीमतों में इजाफा किया था, तब भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जानते थे कि मुस्लिम लीग नून को इसका सियासी नुकसान उठाना पड़ेगा। हुकूमत अगर 15 अगस्त को जा रही है तो ये लोग नए बजट में जितनी मर्जी मराद दे दें, इनका कोई फायदा नहीं होगा। अक्लमंदी का तकाजा यही है कि मुआशी पॉलिसियों का तसलसल यकीनी बनाया जाए, जो पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है।